तो हाय, आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों के बारे में। और जैसे कि तुमको पता है मुझे कितना प्यार है मेरे रिश्तेदारों से। मतलब जैसे कि भुवन बाम ने कहा, अगर घर एक मंदिर है तो रिश्तेदार चप्पल चोर है। पहले तो इन्हें कोई बुलाता नहीं, पहले तो खुद आएंगे घर में, तो बताएंगे ज्ञान कि हमने ऐसा करा था वैसा करा था। अरे साहिब फकीर, तू जाके अपना काम करना। सॉरी, कुछ काम ही तो नहीं रहता तेरे पास, तभी तो आता घर में। और इतने दो कौड़ी के टट्टी चौक मारेंगे और तुमसे उम्मीद करेंगे कि तुम हंसोगे। मतलब इनका खुद का बेटा गोरखपुर में सुट्टा मार रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ता है मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। अरे बुद्धि है कि गाय का तबीला? मतलब बुद्धि इनकी घुटने के भी नीचे होगी, लेकिन ऐसे कहना बताएंगे जैसे अरे मैं ही तो हूँ अहिंसा का छठा बेटा। और अलग ही नशे में आते हैं, ऐसे बोलेंगे बेटा चाय लेके आओ, पानी लेके आओ। अबे ये बता, मेरे बाप ने तेरे बाप से उधार लिया था क्या फिर? और उनका पैर पड़ने वाला चुतिया पा। अरे एक दो के पढ़ लूंगा, लेकिन 20 के 20 आते और कहते पैर पड़ो। कभी कभी देख के लगता साला पूरा मोहल्ला उठा के ला लिए। और अगर तुमने इनके सामने कभी मजाक कर दिया ना, तो भाई ऐसे घूरेंगे जैसे तुमने इनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। उनका मजाक मजाक है, लेकिन तुम्हारा मजाक उनकी नाक का बाल है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई नहीं पूछ रहा इनसे क्या हाल है क्या नहीं है, खुद आके बताते हैं। बेटा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे बेटा भी अच्छा है, मेरी बेटी भी अच्छी है, उसकी मौसी की मौसी भी अच्छी है। तो आखिरी में मैं भी बोलूंगा, रिश्तेदार वो चिड़िया है जो तुम्हारी नई नवेली गाड़ी पे हक के जाता है और उल्टा तुम्हें ही आंख से आंख मिला के देखता है और बोलता है निकल चूती है।